alaikum students. I am Mohammad Sood. Uh, this is class number two of Introduction to Object Oriented Programming with Java Language. Uh, today, we will discuss a uh, new topic of this course. Uh, topics are uh, number one, class and objects, or number two, variables and types of variables. बेसिकली आज हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लास को और ऑब्जेक्ट्स को और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी हम देखेंगे आज और उसके बाद वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू जावा लैंग्वेज हम इसको डिस्कस करेंगे ओके okay? सबसे पहले व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्लास A class is a user defined data types that we can use in our program. Class is a description or blueprint of any kind of for creating objects. In objects, uh, in object oriented programming, a class is a template, definition of the method and variables in a particular kind of objects. Class is basically a क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को उसके मेथड्स uh, को हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं सिंपल उसको डिस्क्राइब करते हैं वो एक टेम्पलेट्स होती है क्लास uh, जो है और uh, उस क्लास की बेस के ऊपर या उस क्लास के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जिस तरह सी लैंग्वेज में आपको याद होगा कि हम एक स्ट्रक्चर बनाया करते थे स्ट्रक्चर और उसके अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स हम रखा करते थे और वो जब स्ट्रक्चर जो था वो मेमोरी के अंदर जाके एक बाकायदा फिजिकली एक लोकेशन अकोपाई किया करता था तो यहाँ पर भी बिल्कुल बेस ऐसा ही यानी कि क्लास का कॉन्सेप्ट है लेकिन इसके अंदर जो है याद रखिएगा डेटा मेंबर्स के साथ साथ उसके बिहेवियर कह लीजिए या उसके हम जो फंक्शंस होंगे वो भी वहां पर मौजूद होंगे क्लियर या यूँ कह लीजिएगा उन डेटा मेंबर्स आ, को एक्सेस करने के की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके हम फंक्शन बनाएंगे बाकायदा उनको मेथड कहते हैं तो वो भी उस क्लास का हिस्सा होंगे तो एक क्लास जो है वो बेसिकली अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज रखेगा और और उसका उनके बिहेवियर्स को भी रखेगा प्रॉपर्टीज़ uh, को हम डेटा मेंबर्स कहेंगे और uh, उसके बिहेवियर्स को हम मेथड uh, या फंक्शंस का नाम देंगे क्लियर तो क्लास uh, का कॉन्सेप्ट ये है और क्लास और ऑब्जेक्ट आपस में वेरी टाइटली कपल मतलब बहुत तरह के सिमिलर है सिर्फ एक छोटा सा फर्क है वो फर्क ये है कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं नंबर वन नंबर टू कि क्लास जो होगी वो बेसिकली uh, जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो मेमोरी के अंदर कोई भी जो एलोकेशन है उसको एलोकेट नहीं करेगी उसको रिजर्व नहीं करेगी फिजिकली लेकिन ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा थ्रो बाय थ्रो बाय क्लास क्लास नेम तो तब बाकायदा मेमोरी के अंदर एक फिजिकल uh, जो एरिया है मेमोरी का वो अकोपाई होगा या वो क्रिएट होगा क्लियर तो ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में किस तरह से उसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास

मिसाल के तौर तो पर हम देखते हैं कि मुख्तफ बर्ड्स हैं जस्ट लाइक इन द रियल लाइफ वी सी सम काइंड ऑफ बर्ड्स लाइक पेरोट है डक है ईगल है एंड स्पैरो है दे हैव बर्ड्स क्लास ये सब जो है एक बर्ड्स की क्लास के अंदर uh, ये आते हैं क्लियर वन प्रॉपर्टीज इज द सेम डेट इज फ्लाइंग बट अदर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट लाइक फूड है कलर है एंड साइज है ये सब चीजें क्या है उसके डिफेंड होंगे तो हम यू समझ लीजिए कि पेरोट या डर्ट या ईगल ये एक ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं क्लियर लेकिन क्लास क्या बनेगी इनकी बर्ड्स क्लास बनेगी कि तीनों क्या है बर्ड्स हैं फ्लाई करते हैं क्लियर लेकिन इनके नाम क्या है मुख्तलिफ है एक का नाम पेरोट है एक का नाम डर्ट है एक का नाम ईगल है इनकी डिफरेंट Uh, ये फूड्स भी खाते हैं इनके डिफरेंट गज़ा है जस्ट लाइक like जो है वो नर्ट्स एंड सीट पे बेस करते हैं वो, वो खाते हैं डग जो है वो फिश खाना पसंद करती है और ईगल जो है वो छोटे एनिमल्स और मीट uh, का शिकार करते हैं तो बेसिकली uh, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं इन तीन प्रॉपर्टीज को जो नेम और फूड और साइज ये तीनों की डिफरेंट uh, होंगी अलग अलग होंगी सेम भी हो सकती हैं कोई ऐसा वो नहीं लेकिन uh, ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं इस एक क्लास के अंदर ओके okay? तो बर्ड की क्लास हो गई इसी तरह से अगर आप देखें एक क्लास ह्यूमन क्लास है ठीक है इसके अंदर यू समझ लीजिए कि मैं बात करता हूं कि अली आ, जो है वो भी ह्यूमन है आसिफ है या आप स्टूडेंट जो हैं वो आप भी ह्यूमन है अब आप और मैं जो है बेसिकली हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है जस्ट लाइक नेम मेरा भी कोई नाम होगा आपका भी कोई नाम होगा तो एक प्रॉपर्टी क्या है नेम दूसरी प्रॉपर्टी है डेट ऑफ बर्थ आपकी भी कोई डेट ऑफ बर्थ होगी मेरी भी कोई डेट ऑफ बर्थ है क्लियर इसी तरह से आपकी कोई कोई हाइट है जस्ट लाइक फोर पॉइंट फाइव या फाइव पॉइंट टू मेरी भी हाइट है फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सेवन ओके इसी तरह से आप भी एक आपकी भी एक एज होगी और मेरी भी एक एज है तो आप और मैं बेसिकली ह्यूमन क्लास में आते हैं और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली नेम डेट ऑफ बर्थ हाइट और एज ये हैं इसकी बुनियाद पर आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है और एक मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है ओके okay? हम दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हम हमारे क्लास के अंदर जो है ये चार प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ऐसी और प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आप हो सकती है जैसा लाइक मेरा एड्रेस है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा और मेरी क्वालिफिकेशन है ये सब क्या है मेरी प्रॉपर्टीज हैं और यही प्रॉपर्टीज आपकी भी आ, आ, बिल्कुल होंगी तो तो हम बेसिकली जब एक, आ, किसी भी ह्यूमन की क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें नीड है या क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस हिसाब से हम क्या करेंगे वहां पर आ, जो है वेरिएबल्स लेंगे या डेटा मेंबर्स हम रखेंगे उन प्रॉपर्टीज को डेटा मेंबर कहते हैं या वेरिएबल्स डेटा मेंबर वेरिएबल्स कह लीजिए या सिंपल वेरिएबल्स की बात कर लीजिए आप ओके okay. तो ये कॉन्सेप्ट है किसका क्लास का क्लास एक डिस्क्रिप्टिव एरिया है जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले एक ब्लू प्रिंट उसका टेम्प्रेट उसका बना के रखते हैं उसे हम क्लास कहते हैं ये बात क्लियर हो गई अच्छा यहां पर फिर मैंने फिलहाल जो है क्लासेस के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज को बताया प्रॉपर्टी डेटा मेंबर्स की बात की अभी मैंने बिहेवियर की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ बिहेवियर को हम आगे चल के देखेंगे बिहेवियर चूंकि क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं हमेशा एक उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसके जो है बिहेवियर uh, होते हैं प्रॉपर्टीज को हम डेटा मेंबर्स कहते हैं और बिहेवियर uh, को हम मेथड या फंक्शंस कहते हैं ओके okay? तो ये बात माइंड में रखिएगा हम इस इन्ही वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं डेटा मेंबर्स एंड प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट लाइक आर सेम ओके इसी तरह से इनकी जो फंक्शनलिटी है या बिहेवियर जो है या इनके जो मेथड है ये भी क्या है आर सेम तो ये तीन नामों से हम बात करेंगे बिहेवियर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे मेथड और फंक्शंस और प्रॉपर्टी से मालूम हम बात करेंगे डेटा मेम्बर्स या एट्रीब्यूट की बात करेंगे सकते हैं सम लैंग्वेज में जो है वो एट्रीब्यूट का नाम दिया गया और बास लैंग्वेज uh, के अंदर जो है प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया तो थोड़ा सा इसको आप अंडरस्टैंड uh, करने की कोशिश कीजिएगा कि ये बेसिकली यानी कि प्रॉपर्टीज डेटा मेंबर्स एंड कैटेस्टिक्स एंड स्टेट ये सब एक ही चीजें हैं किसी भी क्लास के ओके okay? इसी तरह से उस क्लास uh, के जो फंक्शन बिहेवियर्स हैं उनका नाम होगा मेथड या फिर फंक्शंस क्लियर तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्लास uh, क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या से क्या क्या है यानी एक क्लास के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं जैसे कि मैंने बात की कि एक बर्ड्स क्लास है उसके अंदर तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए एक पेरोट के नाम से एक डक के नाम से और एक ईगल के नाम से ओके okay? ये तीन क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर मैं सिर्फ बर्ड्स की बात करता हूं उसमें मैं बात कर रहा हूं कि भाई बर्ड्स का नाम क्या होगा वो फूड क्या खाता है उसका साइज क्या है तो ये क्या है उसका इसका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एरिया है उसका एक टेम्पलेट है बेसिकली ओके तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पूरी जो ऑब्जेक्ट uh, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेस करेगी क्लास के ऊपर और ऑब्जेक्ट के ऊपर ओके okay जी आगे चलते हैं अब आइए बात करते हैं व्हाट इज अ वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स अब वेरिएबल्स <coughs> क्या होंगे जैसा कि मैंने बात की क्लास बर्ड्स की बात की तो उसमें तीन के वेरिएबल्स मैंने यूज किए है फूड है साइज है, है ये तीन क्या है

अगर साइज की बात करें तो साइज के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई पेरोट का साइज जो होता है वो जो भी है मतलब फाइव फाइव इंच कह लीजिए फोर इंच कह लीजिए सिक्स इंच कह लीजिए जो भी स्टोर करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं आप फूड क्या खाता है फूड के अंदर आप कह सकते हैं कि जी अगर पेरोट की बात करें तो वो नट्स एंड सीड खाना पसंद करता है डक जो होती है वो फिश लाइक करती है फिश खाती है ठीक है तो फिश का जो डेटा है या नर्ट्स एंड सीड का जो डेटा है वो किसमें हम स्टोर कर सकते हैं फूड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं फूड एक वेरिएबल हो गया और उस फूड का जो नाम होगा जो भी हम नाम देंगे यानी सीड दे रहे हैं या नर्ट्स दे रहे हैं या हम फिश दे रहे हैं तो ये चीज़ ये उसकी वैल्यू उसका डेटा है जो जो उसके उस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा क्लियर तो वेरिएबल बेसिकली है क्या वेरिएबल्स uh, अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ मेमोरी वेयर होल्ड डेटा फॉर वेरिएबल डेटा कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन द अब एग्जाम्पल बर्ड्स एंड द वेरिएबल विल बी नेम फूड साइज डेट ऑफ बर्थ हाइट एंड एज इन द ऑब्जेक्ट ऑरटेड प्रोग्रामिंग दिस वेरिएबल आर आर कॉल्ड डेटा मेम्बर ऑफ अ क्लास ये जो वेरिएबल्स uh, मैंने बताया नेम है फूड है साइज है, uh, है या हाइट है या एज है या डेट ऑफ बर्थ है ये सब क्या वेरिएबल्स है, हैं? इनको हम क्लास के हिसाब से क्या कहते हैं डेटा मेम्बर्स कहते हैं डेटा भी कहते हैं ओके okay? मैं बता चुका आपको तो, uh, ये चीज तो ये वेरिएबल जो है ये कैन बी चेंज इनको हम ड्यूरिंग uh, प्रोग्राम हम इनके वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं क्लियर ये बात याद रखेगा कि कुछ इस, इस तरह का डेटा होता है जो कांस्टेंटली uh, होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो एक अलग चीज़ है ना कांस्टेंट की बात अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम सिंपल बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की ओके okay, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिएगा इनका डेटा किस तरह का होगा और डेटा की बुनियाद पर वेरिएबल की टाइप डिफाइन की जाएगी जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ इन द नेम वेरिएबल विल बी डेटा स्टोर लाइक अली आसिफ या सारा या अगर जस्ट लाइक बर्ड्स का क्लास उसमें आप पेरो, पेरोड या डग या ईगल आप फीड करेंगे तो ये जो अली आसिफ और सारा है या पेरोड ये आपने किसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है इस में लिखा। इसको हम स्ट्रिंग इस uh, डेटा टाइप कहते हैं जब ये डेटा की टाइप स्ट्रिंग है तो वेरिएबल कौन सा हो जाएगा ये स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा

17 या टाइप ऑफ़ आर कॉल्ड इंटीजर, ओके? यानी कि 25 जो है जो इसमें decimal point involved नहीं हुआ कि आप ये नहीं कह रहे सिक्स या ट्वेंटी पॉइंट इन्वॉल्व नहीं इंटीजर तो में सिंपल वैल्यूज आती हैं नंबर्स की बात हो रही है तो ये आपने माइंड में रखिएगा ये जो डेटा है 25 17 और 80 गदालो किससे इंटीजर से ये इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है इसी तरह से कुछ और डेटा होता है जस्ट लाइक जैसे हाइट है अब हाइट वेरिएबल है अब हाइट वेरिएबल में आप जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो किस किस्म का करेंगे 5.2 फीट इंच कह देंगे आप या फिट कह देंगे 5.2 फीट uh, या 5.8 फीट ओके या 4.9 फीट भी आप कह दीजिए आप तो ये जो आपने पॉइंट वैल्यू लिखी है ये बेसिकली डेसिम ये इंटीजर नहीं है इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है ये रियल वैल्यूज है इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हैं ओके okay? तो मैंने ये तीन तरह के फिलहाल जो डेटा टाइप्स मैंने आपको समझाई एक स्ट्रिंग हो गई आपकी एक इंटीजियर हो गई और एक आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो गए क्लियर तो ये डेटा की क्या है टाइप्स है तो डेटा की टाइप की बुनियाद के ऊपर आप वेरिएबल की टाइप डिसाइड करेंगे वेरिएबल के, के आ, को डिक्लेयर करेंगे उसकी टाइप के मुताबिक क्लियर तो यहाँ पे आप डेटा को समझें पहले आप कि डेटा कितने किस्म का हो सकता है जस्ट लाइक इंटीजर है लाइक फ्लोटिंग पॉइंट है लाइक like स्ट्रिंग है और भी डिफरेंट uh, टाइप्स हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि जावा के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स की क्या क्या टाइप्स हैं और किस किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जा सकता है या उनके नाम क्या क्या हैं तो ये आप बेस करती है आपके डेटा के ऊपर वेरिएबल्स के टाइप जो है ठीक है तो इसमें सबसे पहले जो चीज समझनी है वो आपने ये समझना है कि बेसिकली आ, डेटा किस किस्म का आपके पास आ, 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 आप आप स्टोर करेंगे आगे अब यहां देख लीजिए यहाँ पर चार्ट बना हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स का इन जावा लैंग्वेज के अंदर देखें जा डेटा टाइप्स जावा के अंदर दो तरह से उसको उसकी क्लास बनाई गई हैं एक तो है प्रिमेटिव डेटा टाइप्स और दूसरी है नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स यानी कि एक तो वो हैं जो पहले से चली आ रही हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर भी हैं और जो कॉमन हम यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ नई यानी कि डेटा टाइप्स हैं जो कि जैसे कि स्ट्रिंग है या एरे है या ऑब्जेक्ट है या डेट एंड टाइम है इस तरह के कुछ ऐसे डेटा टाइप्स बनाई गई हैं जावा के अंदर जिनको हम नॉन प्रेमेटिव डेटा टाइप्स कहते हैं और प्रीमेटिव डेटा टाइप के अंदर जो है वो आपके पास क्या है नंबर वन देख लीजिए एक बुलियन है बुलियन के अंदर क्या होगा सिर्फ ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे यानी बुलियन लॉजिकली है ना कि ये डेटा टाइप्स है यानी यस और नो कह लीजिए लेकिन बेसिकली जो उसमें डेटा स्टोर किया जाएगा वो ट्रू uh, या फॉल्स किया जाएगा इसी तरह से न्यूमेरिक है अब नुमेरिक की भी कई क्लासिफिकेशन है उसको भी हम चाहें तो डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसमें जो डेटा होगा वो किस तरह से हो सकता है या तो करेक्टर की फॉर्म में होगा या इंटी, आ, इंटी, आ, इंटी, आ, इंटीजर इंटी इंटीजर के फॉर्म में होगा करेक्टर के अंदर सिंपल एक करेक्टर ले लीजिए आप सिंपल आपने किसी डेटा के अंदर वेरिएबल के अंदर आपने ए स्टोर करना है या सिर्फ बी स्टोर करना है या सिर्फ सी ए कोई भी करेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो हम करेक्टर डेटा टाइप्स कहेंगे वेरिएबल्स कहेंगे ओके okay? तो याद रखिए इन डिफरेंट डेटा टाइप्स की बुनियाद पर वेरिएबल्स क्रिएट होंगे ओके okay? तो अब करेक्टरी uh, टाइप्स हो गए एक, तो उसके लिए हम जो वेरिएबल यूज करेंगे जो uh, जो टाइप यूज करेंगे जो वर्ड है वो क्या है सी एच ए आर ओके बुलियन के लिए क्या है बी डबलो एल ई ए एन बुलियन यानी बुलियन का की वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर बाकायदा उनकी टाइप भी डिफाइन की गई है डेटा की और उनके जो कीवर्ड्स uh, हैं जो जावा में इस्तेमाल करेंगे वो भी यहां बताए गए क्लियर करेक्टर के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेंगे सी एच ए आर जब भी आपने कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है जिसके अंदर आप करेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल से पहले आप क्या लिखोगे सी एच ए आर लिखोगे इसी तरह से जो इंटीजर है उसके अंदर उसकी भी मजीद चार क्लासिफिकेशन है वो क्या है जस्ट लाइक बाइट है शॉर्ट है इंटीजर है लॉन्ग है ये चार डिफरेंट टाइप्स के इंटीजर वो डिपेंड करती हैं, size of values के है साइज ऑफ वैल्यूज क्लियर इंटीजर में अगर आपने लिखना है कोई के bytes की form में स्टोर करनी है सिंपल तो वहां पे लिखेंगे बाइट शॉर्ट की फॉर्म में शॉर्ट क्यों लिखते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी डेटा रेंज कितनी है वो مختلف है और वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट बाइट्स को ऑक्योपाई करते हैं जैसे बाइट जो है वो ओनली वन बाइट को ऑक्योपाई करेगा शॉर्ट जो है वो दो बाइट्स जो है मेमोरी के अंदर ऑक्योपाई करेगा तो बाइट्स ऑफ मेमोरी की जो ऑक्यूपेशन है उसकी बुनियाद पर ये डिफरेंट नाम रखे गए इंटीजर है या लॉन्ग है लेकिन ये चारों जो टाइप्स हैं इनका तालो इंटीजर्स है यानी इनमें जो वैल्यू स्टोर की जाएगी इन वेरिएबल्स uh, के अंदर वो उसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होंगे क्लियर अगर डेसिमल पॉइंट्स आप के पास डेटा के अंदर मौजूद है और उनको आप स्टोर करना चाहते हैं तो उनके लिए आप जो वेरिएबल डर करोगे वो जो होगा वो होगा फ्लोटिंग पॉइंट्स और उसके लिए जो आप कीवर्ड यूज करेंगे वो है फ्लोट या फिर डबल क्लियर फ्लोट की भी एक रेंज है और डबल की भी अपनी रेंज है अगर यूं समझ लीजिए सिंपल सर, कि अगर के वन लैख की वैल्यू के अंदर अगर आपने वैल्यू स्टोर करें तो फ्लोट इस्तेमाल करेंगे और अगर इससे ज्यादा है तो डबल इस्तेमाल करेंगे क्लियर ये मैंने आपको मिसाल दी है बिल्कुल यानी कि अथेंटिक चीज़ नहीं है मैंने मिसाल दी है क्योंकि इसकी जो डेटा रेंज है वो मैं आपको अगले चार्ट जब दिखाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि किसके अंदर आ, कितनी वैल्यू स्टोर की जा सकती है क्लियर तो याद रखिएगा ये जितनी भी टाइप्स हैं ये बेस करती हैं मेमोरी की साइज के ऊपर कि कितना आपने मेमोरी का एरिया रिजर्व करना है उसकी बुनियाद के ऊपर ये आ, डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो आप चूज करते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपने मैथ्स के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं आप अब चूंकि मैथ्स के मार्क्स इंटीजर में अगर आप लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटीजर आप ये येम कर लें कि जी उसमें जो नंबर होंगे वो या तो जीरो हो सकता है या फिर हंड्रेड मार्क्स होंगे मैक्सिमम क्लियर मैथ्स के मार्क्स के अंदर तो और इसमें डेसिमल पॉइंट आप इंक्लूड नहीं करना चाहते तो जब आपने सिर्फ हंड्रेड तक ही की वैल्यू आपने देनी है तो इसके लिए आपके लिए जो बाइट वैल्यू है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाइट ऑनली वन बाइट करेगा इन इंटू मेमोरी और जो शॉर्ट है वो दो बाइट्स को करेगा और दोनों के अंदर जो है ये वन से लेकर टेन तक की वैल्यू आराम से इजिली स्टोर हो सकती है याद रखिएगा बाइट की जो रेंज है लेकर वन लेकर एट तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बाइट के अंदर जबकि शॉर्ट के अंदर जो है वो हम तकरीबन यू समझ लीजिएगा थर्टी टू थाउजेंड की वैल्यू फ्रॉम माइनस में से लेकर प्लस तक की जो वैल्यूज़ हैं हम इसमें रख आपने दो बाइट सबको पाई की मेमोरी के अंदर जो कि एक बाइट आपके लिए आप, आप, बिलावजा ज्यादा रिजर्व कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए बाइट की जो टाइप है वो ज्यादा सुटेबल है ज्यादा बेहतर है क्लियर यानी आपने अपने डेटा Uh, को स्ट्रो करने के लिए जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसमें आप ये जरूर डिसाइड करोगे uh, ये देखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए कि आप मेमोरी कितनी ऑक्योपाई करना चाहते करेंगे ताकि आपका प्रोग्राम जो बड़ा एफिशिएंट और फास्टेस्ट uh, हो क्लियर डिपेंड ऑन डेटा रिक्वायरमेंट यू डिसाइड द टाइप ऑफ वेरिएबल्स अब हम देखते हैं कि बेसिक बेसिकली कौन सी टाइप कितने बाइट्स ऑकोपाई करती है और उसमें जो डेटा है वो कितना जो है उसमें आप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आगे चलते हैं ये देख लीजिए आप यहां पर देखें टाइप नंबर वन बुलियन सबसे पहले उसके बाद बाइट है कैरेक्टर है शॉर्ट है इंटीजर है लॉन्ग है फ्लोट है डबल तो ये जो है आपके प्रिमेटिव डेटा टाइप्स आप कहलाती हैं और इनकी जो डिस्क्रिप्शन क्या है देख लीजिए आप बुलियन के अंदर आप ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जब भी आपको कोई लॉजिकल वैल्यू स्टोर करनी है ट्रू या फॉल्स तो वो आप उसके लिए आप बुलियन डेटा टाइप्स को आप चूज करेंगे आप क्लियर ये मेमोरी के अंदर वन बिट सिर्फ वन बिट जो है वो रिजर्व करता है ओनली वन बिट और इसकी वजह क्या वन बिट का मतलब क्या है पीछे का टेक्निकली देखें तो वहां पर वन स्ट्रोक रहेगा इसका मतलब है कि ट्रू है और जीरो स्ट्रोक रहेगा इसका मतलब क्या है फॉल्स है क्लियर तो एक, एक बिट के अंदर ये चीज डिफाइन हो जाती है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है लेकिन आप एज एग्जाम्पल जो लिटरल वैल्यू स्टोर करेंगे वो क्या करेंगे टी आर यू ई ट्रू यानी ट्रू लिखेंगे आप या फॉल्स लिखेंगे आप और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है उसके अंदर बुलियन के अंदर वो होती है फॉल्स ये भी याद रखनी आपके कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी तो रेंज ऑफ वैल्यू या तो ट्रू लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे। अब आइए बाइट की बात करते हैं बाइट वैल्यू क्या स्टोर करेगा ऑनली टाइप क्या है ये इंटीजर वैल्यू स्ट्रो करेंगे ये मेमोरी में कितने साइज करेगा एट बिट्स एट बिट्स का मतलब है बाइट ओके okay? इसकी जो एग्जाम्पल लिटिल वैल्यूज है यहां पर नई है वैसे याद रखिएगा uh, इससे मुराद ये है कि आप इसमें जीरो से लेकर सॉरी माइनस वन से लेकर प्लस वन तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बाइट के अंदर क्लियर ये मैं आपको बिक करके भी दिखाऊंगा और उस वैल्यू को प्रिंट करके भी दिखाऊंगा एट बिट्स का मतलब है वन बाइट क्लियर और जब मैंने यहाँ पे आपको बता दी रेंज क्या है कि 127 से लेकर माइनस uh, वन तक के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैथ्स के मार्क्स के लिए इंग्लिश के मार्क्स के लिए मैं इस टाइप ऑफ टाइप्स को मैं चूज करूँ तो मेरे लिए क्या है सुटेबल so है फिक्स सही है मैं ले सकता हूँ हाँ अगर मुझे uh, कोई डेढ़ सौ नंबर का कोई पेपर है और डेढ़ सौ नंबर का पेपर है तो फिर मैं इस टाइप्स को चूज नहीं करूंगा वो मेरे लिए फिर सुटेबल नहीं है और एक और बात क्या मैं इसमें माइनस नंबर देना दे सकता हूँ बिल्कुल दे सकता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि माइनस की वैल्यू ना दी जाए सिर्फ ज़ीरो हो या वन तक नंबर स्ट्रो करना चाहते हैं तो फिर ये जो डेटा टाइप से ज़्यादा सूटेबल है लेकिन अगर माइनस में भी इसमें वैल्यू दी जाना देना चाहें तो दे सकते हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा

एग्जाम्पल लिखी हुए सिंपल आपने ए लिख दीजिए इसका लेकिन जब भी आप करेक्टर असाइन करेंगे तो वो आप सिंगल असाइन करेंगे इस बात को याद रखिएगा आपने ए स्टोर किया है इस बात को आप माइंड में रखिएगा कि ए का मतलब क्या है स्मॉल ए का मतलब नाइनटी सेवन यानी नोमैरिक वैल्यू क्या है उसकी नाइन्टी सेवन है और वो जो उसका शेप है शक्ल जो है वो स्मॉल ए के फॉर्म में नजर आएगा क्लियर

उसके बाद ये जो मेमोरी के अंदर जो बाइट्स आपको पाया करेगा वो 16 बिट्स हैं 16 बिट्स का मतलब हो गया टू बाइट्स, ओके okay? और एग्जाम्पल ऑफ लिटरल क्या है जस्ट लाइक बहुत सिंपल वन टू सेवन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस टेन माइनस वन थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड क्लियर तो इसकी रेंज यहाँ पर डिफाइन की गई है यानी कि माइनस थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट से लेकर uh, पॉजिटिव थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट इंटीजर टाइप ऑफ टाइप ऑफ डेटाज के अंदर या उसके वेरिएबल्स के अंदर क्लियर तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो बेसिकली आपको आ, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर मेमोरी उसी लिहाज से आप डेटा डिसाइड करते हैं डेटा की टाइप डिसाइड करते हैं कि इस वेरिएबल के लिए उसकी टाइप क्या होनी चाहिए ओके okay. तो ये आपने देख लिया आपने इंटीजर शॉर्ट है उसके बाद क्या है? इंटीजर देखिए शॉर्ट में एक बात याद रखिएगा अगर मैं शॉर्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर अगर मैं थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी नाइन वैल्यू अगर मैं स्टोर करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता वो आउट ऑफ रेंज हो गई है क्लियर तो वो जो डेटा है वो सिर्फ इसी रेंज के अंदर अगर है तो आप उसके लिए ये टाइप चूज कर सकते हैं अदरवाइज फिर आप इस टाइप को चूज नहीं करेंगे अगर आप इससे बड़ी वैल्यू आपने देना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या है इंटीजर इसमें आप देखिए इसके अंदर थर्टी टू बिट्स यानी कि चार बाइट्स फोर बाइट्स ये स्टोर करेगा और इसकी वैल्यू क्या है माइनस टू माइनस वन जीरो से लेकर आप ये देख लीजिए कि इतनी बड़ी वैल्यू जो है आपके पास स्टोर की जा सकती है जो कि मेरे खास बिलियन के अंदर है बिलियन वैल्यू उसमें आप स्टोर कर सकते हैं okay? उसके बाद लॉन्ग इंटीजर है लॉन्ग इंटीजर देख देखिए वो और से बड़ी है और ये 64 बिट यानी कि आठ बाइट तक के वाले स्ट्रो कर सकते हैं हाँ इसको इसके अंदर एक चीज है जब डेटा आप असाइन करेंगे तो उस डेटा के साथ एल का कीवर्ड इस्तेमाल एल का जो कैरेक्टर है वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो आने का बता पाएंगे कि ये जो डेटा है ये इसकी जो टाइप है वो क्या है वो लॉन्ग है Clear? इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट अगर आप डेसिमल वैल्यूज देना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लोट का की बर्ड इस्तेमाल करेंगे और इस ये भी जो है फोर बाइट्स जो है मेमोरी के अंदर उपाय करेगा और इसके अंदर जब वेलो साइन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट भी होगा उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे एफ इस्तेमाल करोगे ओके okay? चाहे तो स्मॉल एफ यूज करेंगे आखिर के अंदर या फिर कैपिटल एफ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अप टू अपन डेसिमल डिजिट अपने पास के रख सकता है उसकी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं इसी तरह से डबल है अगर इससे बड़ी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं एक्सपोन पावर हंड्रेड की वैल्यू इससे भी बड़ी वैल्यू अगर देना चाहते हैं तो फिर आप डबल डेटा टाइप को चूज करेंगे और फिर आप इतनी लार्ज बड़ी वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं ओके तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ डेटा की बुनियाद पर जो है वो वेरिएबल की भी टाइप डिसाइड होगी कि वेरिएबल किस किस्म के हैं डिपेंड ऑन डेटा टाइप्स तो ये मैंने आपको आज डेटा टाइप को डिस्क्राइब कर दिया है कि किस तरह से आप डेटा को अच्छा जो डेटा होता तो है उसको यहाँ पर जो एक लब, नाम इस्तेमाल किया गया एग्जांपल लिटरल्स यानी कि जब जैसे टू लिखा हुआ है या कैरेक्टर ए लिखा हुआ है तो इनको क्या कहते हैं लिटरल्स भी कहते हैं ओके तो ये चार्ट इसको आप अपने पास लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है कि बताइए जो बाइट डेटा टाइप से वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स या कितने बिट्स अकोपाई करता है क्लियर ये सवाल लाजमी आता है इस तरह से आते हैं और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बताइए कि जो इंटीजर डेटा टाइप्स है इसकी जो डेटा की रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कोई वैल्यू वैल्यू उठा के उन्होंने कि फिफ्टी थाउजेंड वैल्यू स्टोर कैन बी स्टोर इन द इंटीजर टाइप ऑफ डेटा या इंटीजर टाइप ऑफ डेटा या यू कह लीजिए शॉर्ट टाइप ऑफ डेटा तो फिर आप बता सकते हैं कि नहीं जी शॉर्ट के अंदर जो है वो फिफ्टी थाउजेंड की वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती यानी फॉल्स है वो तो ये जो डेटा टाइप्स की नॉलेज है ये याद रखिएगा ये बहुत हद तक जो है जो एम सी क्यूज टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें ये वैल्यूज़ ये चीज़ें आती हैं क्लियर और फिर आपको प्रोग्राम बनाने में भी आपको बड़ी हेल्पफुल होगी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर भी आप आपको यह ना कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम जो वेरिएबल असाइन कर रहे हैं इस टाइप ऑफ डेटा के लिए तो कौन सी टाइप ज़्यादा सुटेबल रहेगी ताकि मेमोरी भी आपकी जो है वो कभी कम ना पड़े या मेमोरी जो है एक्स्ट्रा जो है वेस्टेज भी ना हो क्योंकि तो आपने प्रोग्राम जब एफिशिएंट और फास्टेस्ट बनाना होता है तो आपने हर चीज़ अपने माइंड में रखनी होती रखनी होती है कि कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि एक्स्ट्रा वेस्टेज यूज में ना आए ओके जनाब तो ये कॉन्सेप्ट था जो आज के टॉपिक थे जो मैंने आज को क्लियर किए अब हम थोड़ा सा इनको बाकायदा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे कहने के क्लास बनाई जाएगी कैसे क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और किस तरह से वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे इन क्लास और क्लास के बाहर भी मैं आपको दोनों चीजें करके बताऊंगा और उसके बाद उन आ, उनकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है तो वो भी आज हम थोड़ा देखते हैं ये आ, जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे मतलब जावर लैंग्वेज को आ, सीखने के लिए जो आपके पास एक इन्वामेंट है उसको वो था नेट बीन इन्वा जेडी के तो उसको हम वो हमने स्टॉल लास्ट टाइम किया था तो उसको हमने क्या करना है उस एनवायरमेंट को हमने रन करना है तो यहाँ लिखा हुआ नेट नेटबिन आई इसको देख लीजिए इसको डबल क्लिक कीजिए यह नेट का आईडी है ये देख लीजिए आपके पास ये आपका नेटमिन आई डी है और इसमें काम भी करते हैं जो पहले के जो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हैं उनको मैं, मैं क्लोज कर लेता हूँ फाइल पे जाइए क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स ओके अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फाइल पे जाइए और न्यू प्रोजेक्ट्स के नाम से आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने करना क्या है जावा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं क्लियर नेक्स्ट कीजिए जैसे कि आप जानते हैं लास्ट में मैंने बताया था कि आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है यहाँ पे आपने तो यहाँ पे मैंने नाम रख दिया सपोज करें पर्सन या ह्यूमैन के लिए आप के नाम से मैं एक जो है वो क्लास बना रहा हूँ उसका नाम है प्रोजेक्ट का अच्छा ये कहाँ इसकी लोकेशन क्या है आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था जावा प्रोग्राम डी ड्राइव के अंदर तो ये वहीं पर ये सेव होगा और इस प्रोजेक्ट uh, का जो नाम ह्यूमन uh, है और इसका जो फोल्डर बनेगा वो भी ह्यूमैन uh, के नाम से uh, बनेगा क्लियर और इसकी जो मेन क्लास क्रिएट होगी वो भी uh, यानी एक तो क्लास होगी और एक मेन क्लास होगी याद रखिएगा दो अलग अलग क्लासेस हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा आगे तस्वीर से बताऊंगा अभी आपको तो एक uh, जो है वो क्लास बनेगी ह्यूमन uh, के नाम से और उसके अंदर एक मेन uh, फंक्शन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं मेन फंक्शन या मेन क्लास uh, तो वो आप यहाँ पे क्या करें इस पर आप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ ह्यूमन uh, नाम के क्लास के नाम से एक फाइल खुलेगी जो कि फिर उसको आप उसको आप बाकायदा मतलब कहीं पर भी उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उस प्रोग्राम को क्लियर तो ऐसा मुमकिन है कि आप uh, जो है क्लास uh, अलग बना लीजिए और मेन क्लास क्लास जो है वो अलग बना लीजिए ऐसा पॉसिबल है फिलहाल तो अभी जो होगा क्लास के अंदर ही जो है एक मेन क्लास क्रिएट होगी और वहां पर क्या होगा हम uh, जो है uh, जो क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे और सब वेरिएबल्स को हम प्रैक्टिस uh, करके देखेंगे कैसे हमको डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उनकी वैल्यू को प्रिंट किया जा जाता है ओके okay, तो फिनिश कीजिए यहाँ पर आप <coughs> तो ये आप देख लीजिए कि इस आईडी के अंदर आपके पास ये फिलहाल तीन विंडोज़ नज़र आ रही हैं आपको एक पहली विंडो यहाँ पर है ये प्रॉपर्टीज़ की विंडो है इसको आप कह सकते हैं कि आ, ये एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है जिसमें आपको तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे नज़र या उनकी जो लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे नज़र आएंगे आपको क्लियर और ये उनके जो मेम्बर्स होंगे जो क्लासेस के जो होंगे वो यहाँ पर आपको लिखे हुए नज़र आएंगे क्लियर हो गई बात और ये वो फ़ाइल है जहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे ठीक है इसको साथ देखते हैं अच्छा यहां पे याद रखिएगा कि कमेंट्स के लिए जैसे कि में जानते हैं कि कमेंट्स के लिए स्लैश अगर आपने मल्टीपल लाइन पे कमेंट्स देना है तो स्लैश और एस्टेटिक लिख दीजिए आप ठीक है और उसके बाद जब जो भी लिखना चाहते हैं वो एज ए कमेंट्स में आ जाएगा ये जो एरिया है बता रहा है ये टू चेंज दिस इन द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और टू चेंज दिस टेम्पलेट फाइल एंड चूज़ दूस टूल्स एंड टेम्पल ये डिफरेंट चीज़ें हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ, आप यहाँ पर कौन की चीज़ें आप इम्पोर्ट कर सकते हैं या वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी है आगे चलकर अभी फिलहाल इस एरिए को फिलहाल क्या कर दें आप रिमूव कर दें वैसे अगर ये नाम भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कमर्स एरिया है लेकिन मैं फिर भी इसको ताकि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म आपको समझा सकूँ यह खत्म हो गया अब सिर्फ पैकेज का नाम यहाँ पर आ गया ह्यूमेन जो भी आपने नाम दिया था उसको उसने एक नाम दिया है पैकेज यानी कि आपकी क्लास बन रही है और मेमोरी के अंदर जो है उसका एक नाम यानी कि जो आ, आपका हार्ड डिस्क का जो एरिया है वहाँ पर जो है ह्यूमन के नाम से एक लाइब्रेरी बन रही होगी जिसके अंदर ही सारा काम हो रहा होगा ठीक है अच्छा उसके बाद इस एरिया को भी आप रिमूव कर दें फिलहाल ठीक है अब यहाँ पे आइए अब देखें एक क्लास बनी है और क्लास किसकी है आपने नाम दिया था ह्यूमन का तो ये नाम लिखा हुआ है ह्यूमन की क्लास है ठीक है जनाब ये आपका क्या है डेलीमीटर है कि क्लास uh, जो है यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर जो है क्लास खत्म कहां पे हो रही है यहां पर हो रही है क्लियर क्लास का ये स्टार्टिंग एरिया हो गया और ये आपका क्या है एंडिंग एरिया अच्छा कमेंट्स देना चाहें तो आप वो डबल स्लैश सिंगल लाइन जो कमेंट्स होता है वो इस तरह से होता है स्लैश लिखिए आप और यहां लिख सकते हैं कि दिस इज स्टार्टिंग एरिया ऑफ क्लास क्लास का एरिया स्टार्ट Clear. और ये जो एरिया है यह, आ, यहां पे जो है वो क्या है ये क्लोज कर रहे आप क्लियर हो बात उसके बाद ये देख लीजिए आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये आपका मेन फंक्शन है यानी कि जो भी आप एग्जीक्यूट करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा जो आंसर आएगा वो उसकी जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगे वो यहां पे लिखी जाएंगे क्लियर ये आपका तो एक तरह से मेन फंक्शन है याद रखिएगा ओके तो अभी हम देखते हैं इसको पहले सबसे पहले तो आप यहां पे आइए क्लास के अंदर अब ह्यूमेन क्लास की आपने कुछ प्रॉपर्टीज uh, आपने क्या करनी है प्रॉपर्टीज कह लीजिए मैंने आप बताया था या डेटा मेंबर्स कह में वो आपने क्रिएट करनी है. तो एक टाइप मैंने क्रिएट की थी Uh, एक, एक प्रॉपर्टी थी उसका नाम था नेम क्लियर अब नेम तो ठीक है आपने एक प्रॉपर्टी ले ली लेकिन इसकी टाइप क्या हो सकती है क्योंकि आप इसमें नाम स्टोर करेंगे अली आसिफ सारा नदीम जो भी है तो वो जो डेटा है वो किसका ताल्लुक किस चीज़ वो से वो स्ट्रिंग्स है तो यहां पे आप यूज करोगे एस टी आर आई एन जी का कीवर्ड और स्ट्रिंग uh, यूज करेंगे स्ट्रिंग बेसिकली ये uh, प्रीमेटिव डेटा टाइप्स नहीं है बल्कि ये एक नॉन प्रीमेट डेटा टाइप्स है लेकिन आप यहां पे समाप्त कर सकते हैं क्लियर uh, अच्छा स्ट्रिंग हो गया इसकी टाइप दूसरा क्या है आपने एक प्रॉपर्टी ली थी आपने डेट ऑफ बर्थ क्लियर इसकी टाइप क्या रखेंगे आप इसकी टाइप आप रख सकते हैं इसकी भी स्ट्रिंग रख लीजिए क्योंकि आप इसमें क्या स्टोर करोगे नॉर्मली इसमें आप स्टोर करेंगे आप के जी ट्वेंटी uh, फाइव अप्रैल uh, 1992 नाइन्टी टू फॉर सॉरी नाइनटीन नाइन्टी टू कह 1990 नाइन्टी लीजिए आप या टू थाउजेंड टेन लीजिए आप जो भी आप देना चाहेंगे डेट वो हिसाब से दे सकते हैं तो उसमें डैश भी आएगा उसमें नंबर्स भी आएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए स्ट्रिंग टा, टाइप ऑफ डेटा लेकिन याद रखिएगा कि एक uh, नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप और भी है जिसे कहते हैं डेट एंड टाइम वो हम आगे चल के पढ़ेंगे फिलहाल अभी यहाँ पे इसको स्टोर करिए स्ट्रिंग के अंदर यानी इसकी जो टाइप्स हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है इसका जो डेटा है वो इस तरह से हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टोर कर लीजिए के टेन डैश जीरो थ्री ओके तो ऐसे स्टोर किया जा सकता है तो चूंकि इसमें डैश भी है नंबर भी है इसको आप एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कंसीडर करेंगे आग, ओके लेकिन फिलहाल मैं अभी हाँ वैल्यू साइन नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं उसके बाद आपने ली थी एक हाइट है प्रॉपर्टी ली थी आपने ठीक है अब इस प्रॉपर्टी की टाइप्स क्या हो सकती है चूंकि हाइट के अंदर आपने वेली स्ट्रोक की फाइव पॉइंट टू या फाइव पॉइंट एट तो यहाँ पे आप जो डेटा टाइप चूज करेंगे वो करेंगे फ्लोट, फ्लोटे okay. इसी तरह से आपने एक और प्रॉपर्टी यूज की थी एज क्लियर और इस एज के लिए भी आप जो डेटा टाइप चूज करेंगे वो वो इंटीजर है तो इस तरह से आपने क्या लिया अपने डेटा टाइप्स आपने, आपने चूज की, है। की आपने name, birth, height, age, हैं डेटा टाइप्स की बुनियाद पर ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए इन वेरिएबल्स को नेम डेट ऑफ बर्थ हाइट और एज ये बेसिकली क्या है इस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाएगा सेट किया जाएगा या यहां से डेटा गेट किया जाएगा क्लियर तो ये आपने एक क्लास बनाई अब इसका इस क्लास की बुनियाद पर अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहां पर आप लिखेंगे कि मैं कमेंट्स में लिख रहा हूं हाउ टू हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय क्लास यानी क्लास को देखते हुए आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे तो सिंपल आपने क्या करना है क्लास का नाम देना है क्लास का नाम क्या है human है तो आप ह्यूमेन लिखेंगे आप और इसके बाद आपने नाम दे दिया सपोज करें यानी अली ऑब्जेक्ट आपने एक ऑब्जेक्ट uh, बनाया उसका नाम रखा आपने अली ऑब्जेक्ट आप सिंपल ओबीजे कर लेसा वो नहीं है लेकिन मैं समझने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूँ कि किसके लिए बना रहा हूं मैं अली के लिए बना रहा हूँ ओके okay. तो ये आपने सिंपल लिखा है ये आपके पास क्या है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी क्लास का नाम है जो आपने लिखा है जो क्लास का नाम यहां पे लिखा होगा वो यहां लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू रूल वेरिएबल्स जस्ट जो है उस नाम uh, किसी भी नाम से आप एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं क्लियर बस इतनी बात याद रखिएगा जब वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो उन वेरिएबल्स के अंदर डॉट नहीं देंगे स्पेस नहीं देंगे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप ठीक है सिर्फ अंडर स्कोर इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है अली और ऑब्जेक्ट अगर मैं देना चाहता हूँ तो ये डैश इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अली एंड अंडर स्कोर ओबीजे इस्तेमाल कर लीजिए आप तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है क्लियर तो इस वेरिएबल को ये बिग वेरिएबल ही है लेकिन इसको यहां पर जो क्लास के जरिए आपने इस वेरिएबल को क्रिएट किया है तो ये जो वेरिएबल है अली ओबीजे ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्लियर इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर यानी सो समझ लीजिए कि मेमोरी के अंदर एक एरिया रिजर्व होगा और उस एरिया के अंदर नेम डेट ऑफ बर्थ हाइट और एज का डेटा स्टोर किया जाएगा लेकिन उस पूरे फ्रेम ऑफ जो उसका फ्रेम होगा उसका जो रेफरेंस नेम होगा वो क्या होगा वो अली ओबीजे होगा क्लियर इसी तरह से अगर मुझे एक और क्रिएट एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसी ह्यूमन uh, क्लास का तो आप एच यू एम एन लिखेंगे आप और यहाँ लिख दीजिए आप सपोज करें सारा <laughs> तो अब क्या हो गया कि ये सारा ऑब्जेक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया क्लियर अभी फिलहाल मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इसमें मुझे वैल्यूज जो है वो किस तरह से स्टोर करनी है वो एक अलग तरीका का होगा वो बताएंगे आपको बाद में अभी फिलहाल मैंने आपको एक क्लास के जो डेटा है उनको डिक्लेयर किया है मैंने और मेन फंक्शन के अंदर मैंने जो है आ, इन और, इन क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये जो क्लास है ये जसला किया सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एरिया है एक टेम्पलेट है किसका ह्यूमन क्लास ह्यूमन हु, का इसको हमने क्लास कहते हैं पब्लिक का मतलब क्या है कि ये जो क्लास है ये पब्लिकली आउट आउटसाइड ऑफ द क्लास कहीं पर भी हम चाहें तो इस क्लास uh, uh, को हम यूज कर सकते हैं अब क्लास जो है वो पब्लिक भी हो सकती है वो प्राइवेट भी है वो प्रोटेक्टेड भी है इसके आगे बाद में डिस्कस करेंगे बाहर अभी फिलहाल ये बाई डिफॉल्ट जो है वो ये क्लास ये पब्लिक है ओके पब्लिक अ कीवर्ड ऑफ जावा लैंग्वेज क्लास अ कीवर्ड ऑफ जावा लैंग्वेज ह्यूमन अ यूजर डिफाइंड नेम आपने एक नाम डिफाइन किया वो कुछ भी कर सक, रख सकते थे आप बेहतर है कि वो नाम ऐसा रखा जाए जो मीनिंगफुल हो जो समझ में आए अगर मुझे किसी बर्ड्स क्लास की मुझे आ, कोई आ, क्लास बनानी है कोई डिस्क्रप्शन मुझे डिफाइन करनी है तो मैं बेसिकली उस क्लास का नाम क्या रखूँगा बर्ड्स रखूँगा क्योंकि बर्ड्स मीन्स मीनिंग मीनिंगफुल उसमें मीनिंगफुल है, है कि जो क्लास बनाई गई है वो बर्ड्स की बनाई गई है आप उसका नाम ए बी सी भी रख सकते हैं डजेंट मैटर लेकिन बेहतर है वेरिएबल ऐसे रखे जाएँ जो मीनिंगफुल जो जो अपने नाम से अपनी एंटिटी को साबित करते हो या समझ में आता हो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया हुआ स्ट्रिंग नेम अब मैं नेम की जगह पे मैं एन ए भी ले सकता हूँ मसला कुछ भी नहीं है ठीक है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दो करेक्टर का भी वेरिएबल मैं ले सकता हूँ लेकिन ये जो एन है ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो ऐसा वर्ड इस्तेमाल करें जो मीनिंगफुल हो और एक बात का और ख्याल कीजिएगा कि ऐसा वर्ड भी इस्तेमाल ना करें जो जावा लैंग्वेज का अपना रिजर्व वर्ड हो क्लियर इस बात का भी आपने ख्याल रखना है तो वेरिएबल वेबलियर करते वक्त आपने कुछ बातें आपने रखनी है जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन के अंदर आती हैं जो कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ रखी हैं वो क्या है वो ये कि वेरिएबल का नाम जो होगा उसमें लेटर्स और नंबर्स आप लिख सकते हैं लेकिन हमेशा जो वेरिएबल स्टार्ट होगा वो हमेशा लेटर से होगा करेक्टर से होगा

तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमेशा जो वेरिएबल होगा वो स्टार्ट होगा किससे लेटर से स्टार्ट होगा करेक्टर से स्टार्ट होगा हाँ उसमें नंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन इन लेटर्स uh, के दरमियान स्पेस नहीं होगा डॉट नहीं होगा कोई और स्पेशल करेक्टर नहीं होगा सिवाय अंडर स्कोर के क्लियर हो गए बात और एक बात और कि वो वेरीबल जो होंगे जो जावा के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे कि से पब्लिक कीवर्ड है मैं पब्लिक का जो नेम है वो मैं एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकता या आईएनटी इंटीजर आईएनटी जो का कीवर्ड है ये मैं एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकता एज ए वेरिएबल या एज ए ऑब्जेक्ट वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकता ये बात क्लियर हो गई अच्छा जी अब ये जो आपने क्लास बनाई सिंपल सी और यहां पे आपने मेन जो फंक्शन है इसके अंदर आपने उनके ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए अभी इनकी वैल्यू से अभी आ, मेरा फिलहाल कोई अभी ताल्लुक नहीं है वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे अभी फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ रन करके देखना चाहता हूँ कि क्या आया है कि इसका जो रन जो है वो प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम सही रन हो रहा है आप इसको रन कीजिए यहाँ लिखा हुआ है प्ले का बनाना है उसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ नीचे देखिएगा ये देखिए ह्यूमन प्रोग्राम रन हो रहा है और देखें यहाँ पे देखें प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली हो गया है और कोई इसने एरर मेंशन नहीं किया इसका मतलब है कि आपने इस आ, क्लास बिल्कुल सही बनाई है और मेन फंक्शन के अंदर आपने बिल्कुल आ, सही काम आपने किया हुआ है ओके जनाब तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था किस तरह से आप क्लास बनाएंगे और किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आप देखेंगे आप क्रिएट करेंगे आप, देखेंगे, आप देखेंगे, तो जनाब इस तरह से जो है आप एक क्लास को जो है आप बनाएंगे आप जावा लैंग्वेज के अंदर और फिर इस तरह से उस क्लास के ऑब्जेक्ट आप मेन फंक्शन में इस तरह से आप क्रिएट करेंगे तो ये चीज़ें मैंने आपको आपको करके दिखा दी और प्रोग्राम को मैंने रन करके दिखाया फिलहाल इसका भी आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है और कोई मैंने आउटपुट इस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं की जिससे आपको डेटा नज़र आए फिलहाल मैंने आपको सिर्फ क्लास uh, बनाने का तरीका सिखाया एज ए इम्प्लीमेंट करके दिखाया है किस तरह से जावा के अंदर या नेट नेटबिंग के अंदर किस तरह से आप क्लास को uh, बनाएंगे आप क्लियर और उस क्लास के जो डेटा मेम्बर है किस तरह से उनके वेरिएबल्स को आप क्रिएट uh, करेंगे आप और उन वेरिएबल्स के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो क्या होंगे क्लियर और फिर uh, उस क्लास uh, का जो है बाकायदा उनका ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे वो आप मेन फंक्शन के अंदर किस तरह से या किसी भी Uh, अगर कोई और दूसरी क्लास है आउटसाइड द क्लास वहाँ पर भी आप चाहें तो ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन उसका जो तरीका होगा लिखने का वो यही होगा कि आप क्लास का नेम लिखेंगे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट देना चाहें जो नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट देने का नाम का जो जो रूल्स होगा वो वही होंगे जो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल किया है वही ख्याल आप इस वक्त देकर रखेंगे आप ऑबजेक्ट बनाते वक्त रखेंगे आप ओके जनाब तो आज हम क्लास को यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर तो आज हमने uh, क्या देखा बेसिकली अगर देखा जाए तो आज हमने दो टॉपिक को कवर किया है नंबर uh, वन आज हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को देखा है नंबर टू वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हमने डिस्कस किया है और उसके बाद हमने प्रैक्टिकली बाकायदा नेट बिंग के अंदर जो है uh, एक क्लास को हमने डिफाइन किया डिस्क्राइब किया और उसके बाद उस मेन क्लास फंक्शन के अंदर हमने जो है उस क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देखे क्लियर तो आ, आज क्लास को हम यहाँ ख़त्म करते हैं इन शह नेक्स्ट वी, नेक्स्ट वीक वीक के अंदर थर्ड क्लास के साथ हाजिर होंगे और नए टॉपिक के साथ उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़